अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये टेस्टी क्रिस्पी सॉर्ट ऑफ अचारी किस्म की ग्रीन चिलीज़। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ पड़ी और आपको नहीं समझ रहा आप इनके साथ क्या करें, तो आप इसके साथ ये करें, यू कैन ईट इट एज अ स्नैक विद योर लंच, या इनको आप सैंडविचेस में डाल सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी हैं, ठीक। एंड अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लग रही है तो आप इनके थोड़े बहुत सीड्स रिमूव कर दें, खाली इनकी स्किन्स को रख लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से धो लेंगे एंड इसके बाद थोड़ा सा इनको ड्राई करके हम इनको हाफ में काट लेंगे यूजिंग अ नाइफ। आप नाइफ का फ्रंट वाला टिप पार्ट से इसको काट के और इस तरीके से अलग कर दें, और आप कैंची भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक पैन पर डाल के 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल के साथ डालेंगे। एंड अगेन एग्जैक्ट रेसिपी डिस्क्रिप्शन में होगी, और आपने इसको स्टेयर फ्राई से करना है, तब तक करना है जब तक चिलीज अपना कलर ना चेंज कर लें, जैसे कि ऐसे। इस स्टेज के बाद हम इनके अंदर मसाले डालेंगे, तो नमक गया, रेड चिलीज गई, साथ में धनिया पाउडर जाएगा, आप हल्दी भी डाल सकते हैं, गरम मसाला जाएगा। एंड ये डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। इतनी देर में आप अपने लेमन को सॉफ्ट करेंगे, इस तरीके से इसका ज़्यादा जूस निकलता है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी स्टीम बन चुकी है। एंड ये आपने खाली 2-3 मिनट के लिए करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस, एंड इसको थोड़ा सा और स्टर कर लेंगे। अगर कोई लिक्विड है तो वो भी ड्राई हो जाएगा, और सारा मसाला हम कोट कर देंगे। एंड देन हीट से उतार के हम इसके अंदर चाट मसाला है मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड यू डन। बस इतना सा जैसे आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी हैं। एंड आप इनको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, कर सकते नहीं करना है, एयर टाइट में स्टोर करना है, और ये 1 वीक के लिए आपके फ्रिज में इजीली रह सकता है, ठीक। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।